Dear student, in today's lecture, we are going to discuss about the Newton's ring experiment and the necessity of extended source. As we have already discussed, the thin film, interference in thin film and in wedge-shaped film. In wedge-shaped film, we having a thin film in which the two surface make some angle, okay? They are inclined at an angle of theta. So that means in case of wedge-shaped film, the thickness increases as we go away from the center, okay? So it's gradually increasing as we go away from the center. It means the two surfaces are inclined at an angle theta. So this type of particular film is known as wedge-shaped film. We have already discussed in our previous lecture. Now, the Newton's ring experiment is a part of wedge-shaped film, okay? And this is a very important experiment from the BTech point of view. Why? Because we having an experiment that is based on Newton's ring experiment, okay? So we having an experiment that is based on Newton's ring experiment, and as well as we having derivations and numerical. So agar that means this particular topic is very important for examination. So hame dhyan ye rakhna hai ki Newton ring experiment ko hame bahut acche se karna hai, kyunki isme jo bhi hamari theory hai ya hamara derivation part hai ya hum baat kar rahe numericals hain, wo sabhi exam mein puche jate hain. To ye topic apne aap mein ek bahut bada weightage engineering physics mein rakhta hai. और न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट वेस्टशेट फिल्म का ही एक एग्जांपल है. तो अब हम न्यूटन्स रिंग देखें, एक्चुअल में न्यूटन्स रिंग होती क्या है. तो बच्चों यहाँ पर न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट का एक बहुत बेसिक डायग्राम हमें दिया गया. ये एक्चुअल में होती क्या है अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे, पहले इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं. यहाँ पर जो हमारे पास एक प्लेन ग्लास प्लेट है, इस प्लेन ग्लास प्लेट के ऊपर क्या रखा हुआ है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस. प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का मीनिंग क्या है, जिसका एक सरफेस क्या हो, प्लेन. ओके, तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हमने किसके ऊपर रखा है, प्लेन ग्लास प्लेट के ऊपर रखा हुआ है, और इसमें लाइट बीम इंसिडेंट हो रही है नॉर्मली. और उसके बाद यहाँ पर देखो, ये जो फिल्म हमारी क्रिएट हो रही है, अगर हम बात करें यहाँ पर फिल्म कहाँ क्रिएट हो रही है, तो फिल्म पर्टिकुलरली इस वाले पोर्शन में क्रिएट हो रही है, यानी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और प्लेन ग्लास प्लेट के बीच में, जो कि क्या है आपकी एक वेस्ट-शेप्ड फिल्म. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फिल्म है उसके दो सरफेसों के बीच का क्या है, कुछ एंगल थीटा है. तो लाइट बीम इसमें इंसिडेंट होती है, और इस थिन फिल्म वेस्ट-शेप्ड फिल्म से रिफ्लेक्शंस होते हैं, और उन रिफ्लेक्टेड रेज में इंटरफेरेंस के थ्रू हमें क्या दिखाई देता है, एक पैटर्न दिखाई देता है. सिंस जो ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, एक 3D स्ट्रक्चर है, जो किसके ऊपर रखा हुआ है, प्लेन ग्लास प्लेट पर. तो यहाँ पर जो हमारी एयर फिल्म बनती है, वो एयर फिल्म एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कांस्टेंट थिकनेस की क्या होती है, आपकी एक फिल्म बनती है जो इस सेंटर के चारों तरफ सिमेट्रिकली फॉर्म होती है. ठीक है, सिमेट्रिकली ये बनेगी आपका, क्योंकि ये एक 2D स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है प्लेन पर, लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिकली ये क्या 3D स्ट्रक्चर. तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर कोई भी थिकनेस की अगर हम फिल्म लेंगे, तो वो आपका सिमेट्रिकली क्या है, आपका बनी हुई है, और इसके कुछ आपका दैट मीन्स इट लाइक अ सर्कल. ओके, और जब हम यहाँ से आपको हम देखें, जब हम रिंग्स को जब हम देखते हैं, जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस हमारी बनती हैं, अब वो फ्रिंजेस प्लेन फ्रिंजेस ना होके किस फॉर्म में बनती हैं, रिंग्स की फॉर्म में यहाँ पर बननी शुरू हो जाती है. ठीक है, तो ये जो रिंग्स की फॉर्म में हमारे पास फ्रिंजेस क्रिएट हो रही हैं, ये हमें कहाँ दिखाई देती हैं, आपका जो टेलीस्कोप हम यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें रिंग्स दिखाई दे रही हैं, वो कुछ इस तरीके के बच्चों में दिखाई देंगे. आपको ये डायग्राम में दिखाई दे रही हैं, अल्टरनेट देखो, ये सबसे पहली बीच की रिंग है, डार्क रिंग, फिर हमारे पास ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट. तो इस तरीके से, सिंस इट इज़ अ सिमेट्रिकल लोकस ऑफ कॉन्स्टेंट थिकनेस, सो वी हैविंग द रिंग्स दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स. सो दीज फ्रिंजेस इन सर्कुलर फॉर्म आर कॉल्ड न्यूटन्स रिंग. ओके, दे आर अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस. समझ में आया बच्चों, तो न्यूटन्स रिंग क्या होती है, सबके समझ में आया. दिस इज अ फ्रिंज structure which is circular in form, and how it is formed, it is formed when we put a plano convex lens on a glass plate and a
vachet film is formed in between the plano convex lens and glass plate surface. ठीक हो गया. तो अभी हम इसका बहुत डिटेल में स्ट्रक्चर और इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप हम देखेंगे, तो ये चीज़ें हमें और क्लियर होते चले जाएंगी. हम नेक्स्ट पार्ट में इसके आते हैं. तो यहाँ पर कई बार ये क्वेश्चन आता है, व्हाई द न्यूटन सेंटर ऑफ अ न्यूटन्स रिंग इज डार्क इन रिफ्लेक्टेड सिस्टम. ओके, यहाँ ध्यान रखना है, जब भी हम इंटरफेरेंस की बात करेंगे, स्पेशली जब हम थिन फिल्म्स की बात करते हैं, हमें ये ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्टेड सिस्टम कहा गया है या ट्रांसमिटेड. यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये रिफ्लेक्टेड सिस्टम. अब देखो, यहाँ पर जो हमने कंडीशन पढ़ी थी थिन फिल्म के केस में रिफ्लेक्टेड सिस्टम के लिए पार्ट डिफरेंस की, वो क्या थी, 2 म्यू टी कॉस आर प्लस लैम्डा बाई 2. ठीक है बच्चों, इसलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि थिन फिल्म का डेरिवेशन आप लोग को अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, और उसके जो फाइनल रिजल्ट्स हैं वो भी हमें पता होने चाहिए. तो 2 म्यू टी कॉस आर प्लस लैम्डा बाई 2 क्या हमारे पास आपका रिफ्लेक्टेड सिस्टम में पाथ डिफरेंस है, और लैम्डा बाई 2 कैसे आया था, ये आया था आपका स्टोक्स लॉ से. ओके, अब सिंस इस एक्सपेरिमेंट में जो हमारे पास रे है ये नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, अगर नॉर्मली इंसिडेंस है तो एंगल आई क्या हो जाएगा आपका, जीरो. तो आर भी हम क्या मान के चलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस के लिए, अराउंड टू जीरो. देखो यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर नॉर्मल इंसिडेंस आर इक्वल्स टू जीरो, तो ये क्या बन गया हमारे पास, 2 म्यू टी प्लस लैम्डा बाई 2. अब बच्चों जहाँ पर म्यू क्या है आपका, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ओके, और द थिन फिल्म. सेकेंड दैट टर्म टी इज द थिकनेस ऑफ फिल्म. अब देखो एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, अगर वापस में इस डायग्राम में जाऊँ, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बच्चों यहाँ पर थिकनेस क्या होगी, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू सरफेस यहाँ पर थिकनेस क्या हो जाएगी, टी इक्वल्स टू जीरो. टी इक्वल्स टू क्या होगी, जीरो, क्योंकि जब हम जैसे जैसे दूर जाएंगे ये थिकनेस बढ़ते चले जाएगी, लेकिन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये थिकनेस क्या होगी, जीरो. तो एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये जो थिकनेस हमें मिलती है ये कितनी हो जाती है, टी इक्वल्स टू जीरो. तो अगर ये टी इक्वल्स टू जीरो हो गया तो डेल्टा हमें कितना मिलेगा, आप जीरो प्लस लैम्डा बाई 2. ठीक है, तो यहाँ से जो डेल्टा की वैल्यू आएगी ये क्या होती है, लैम्डा बाई 2. तो ये लैम्डा बाई 2 एक्चुअल में क्या है, ये है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन. बच्चा किसकी कंडीशन होती है पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन. इसलिए अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, यानी इसका मतलब ये क्या है, मिनिमा, और वी कैन से इट्स अ डार्क रिंग. इसलिए ये क्या है आपकी, डार्क रिंग. तो आपकी ये क्या दिखती हैं, जो सेंटर रिंग होती है, इसलिए हमेशा क्या होती है, डार्क होती है. बच्चों समझ में आ गया, न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट में सेंटर रिंग इसीलिए हमेशा क्या होती है आपकी, डार्क, बिकॉज वहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे थिकनेस जीरो हो जाती है और पार्ट डिफरेंस कितना आ जाता है आपका, लैम्डा बाई 2. ठीक है बच्चों, तो न्यूटन रिंग हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया, अब और डिटेल में हम आगे जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कैसे हम मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशंस लेकर आएंगे, तो बहुत ज़्यादा क्लियरली तुम्हें चीज़ें और समझ में आते चले जाएंगे. अब देखो ये जो न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट है कई पार्ट्स में पूछा जाता है, ठीक है, आपका कई बार केवल एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट को एक्सप्लेन करने को कहता है, कई बार इसके आगे का डेरिवेटिव पार्ट भी पूछता है. तो हमने यहाँ पर क्वेश्चंस देख रहे हैं किस तरीके से आ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम एक्सप्लेनेशन भी करते चले जाएंगे. अब यहाँ पर 2016-17 में जो क्वेश्चन आया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द न्यूटन रिंग, एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, हाउ कैन यू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट विद दिस एक्सपेरिमेंट. ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है न्यूटन रिंग क्या है, हमने पहले देख लिया है न्यूटन रिंग की डेफिनेशन क्या है, एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट. अब हम आएंगे एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट. ये देखो बच्चों फिर से यहाँ पर एक बार ये बता रहा है क्या चीज़ हमने करी है, हमने क्या करा है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को किसके ऊपर रखा है, प्लेन ग्लास प्लेट के ऊपर हमने रखा हुआ है, और यहाँ पर जो थिकनेस है देखो अलग अलग रिंग्स हमें बनेंगी जब हम ऊपर से देखेंगे. ठीक है, यानी अलग अलग थिकनेस पर अलग अलग रिंग्स हमें मिलते चले जाएंगे. ठीक हो गया, यानी थिकनेस जहाँ हर रिंग के करस्पॉन्डिंग थिकनेस भी क्या हो रही है आपकी, चेंज हो रही है. अब हम देखें तो ये जो थिकनेस है आपकी इस पर्टिकुलर थिन फिल्म की वो क्या हो रही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में. इसका मतलब क्या बन रही है यहाँ पर, वैज शेप फिल्म. बच्चों क्या बन रही है यहाँ पर, वैज शेप्ड फिल्म. ये क्या लिख, देखो यहाँ पर लिखा हुआ ना, एन एयर फिल्म ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग थिकनेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज फॉर्म बिटवीन अपर सरफेस ऑफ ग्लास प्लेट एंड लोअर सरफेस ऑफ लेंस. तो यानी यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, एक वैज शेप फिल्म हमारी बन रही है. ठीक, और जब हम इसको देखते हैं कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम इस यहाँ पर, जैसे सपोज ए से हमारी मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम
यहाँ आ रही है, देन इट कम्स ऑन द अपर लेयर ऑफ थिन फिल्म एट पॉइंट बी, फिर वही हमारे पास हुआ, कुछ पार्ट यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो गया, रेस्ट ऑफ द पार्ट ट्रांसमिट होके लोअर सरफेस से रिफ्लेक्ट होके फिर वापस आ गया। ये रिफ्लेक्टेड रेज बी ई और डी एफ आपस में क्या करेंगी, इंटरफेरेंस। तो यानी यहाँ पर हम कौन सा सिस्टम ले रहे हैं बच्चों, रिफ्लेक्टेड, इस चीज़ का ध्यान रखना है। कौन सा सिस्टम चल रहा है हमारा यहाँ पर, रिफ्लेक्टेड सिस्टम चल रहा है। ओके, तो अभी रिफ्लेक्टेड सिस्टम की हमने बात करनी है यहाँ, और रिंग्स कैसी बनेंगी हम पहले भी देख चुके हैं, रिंग्स हमारी बनने वाली हैं इस तरीके से, अल्टरनेट ब्राइट और डार्क रिंग्स। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे प्लस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट रखी हैं, ये एक्चुअल में एक 3D स्ट्रक्चर है, और अगर हम देखें तो एक सर्कुलर फॉर्म में थिन फिल्म हमारी क्रिएट इसमें होंगी, ठीक है। और जो रिंग्स बनती हैं इसलिए जो हमें फ्रिंज पैटर्न मिलता है वो भी किस फॉर्म में होता है, रिंग फॉर्म में, ठीक। और वो रिंग्स कैसी होती हैं आपका, अल्टरनेट ब्राइट और डार्क रिंग, और जिसमें सेंटर रिंग आपकी क्या होती है, डार्क रिंग, ठीक है। यहाँ लिखा भी है देखो, इफ अ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज अलाउड टू फॉल नॉर्मली ऑन दिस फिल्म देन अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क कंसेंट्रिक रिंग्स विद देयर सेंटर डार्क आर फॉर्म्ड, दीज रिंग्स आर नोन एज न्यूटन्स रिंग। ओके, तो एक और डेफिनेशन हमें मिल गई जो हमने पहले पढ़ी थी, उससे मिलती जुलती डेफिनेशन हमें एक और मिल गई न्यूटन्स रिंग क्या है। The Newton rings are formed because of the interference between the wave reflected from the top and bottom surface of the air film. ठीक, अब बच्चों ये आया आपका experimental arrangement. अब इस experimental arrangement को अगर हम देखें तो इसमें हमें बहुत ध्यान से देखना है, आसान है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारे पास एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस पी क्यू ओ रखा हुआ है, और उसके ऊपर प्लेन ग्लास प्लेट पी क्यू ओ है, और उसके ऊपर एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ हमने ए ओ बी, ठीक है। पॉइंट ओ पे ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। अब हमें इसके ऊपर नॉर्मली बीम को इंसिडेंट करना है, तो इस नॉर्मल इंसिडेंस के लिए हम बच्चों क्या करते हैं, हम एक फाइनाइट सोर्स के आगे क्या लगा देते हैं, लेंस L1, ठीक है। ये L1 लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस। तो ये फाइनाइट सोर्स से जो लाइट डाइवर्जिंग नेचर की होती है उन्हें किस में कन्वर्ट कर देता है, पैरेलल बीम्स में, ठीक है। और ये पैरेलल बीम्स जब इसे हिट करती हैं ग्लास प्लेट को, ये देखो अभी यहाँ पर एक चीज़ और करते हैं, जो ग्लास प्लेट है से 45 डिग्री एंगल पर हम क्या करते हैं, रख देते हैं। 45 डिग्री एंगल पर क्यों रखा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट 45 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 डिग्री होगा, तो ओवरऑल इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रेस के बीच में कितना एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। यहाँ पर जो भी हमारे पास क्या होगा, एंगल बनेगा, वो इस तरीके से हम सेट करते हैं 45 डिग्री पर ग्लास प्लेट को, कि जो बीम्स हैं वो नॉर्मली फॉल हो किस पे, इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस पे। और हमें पता है कि हम इसमें क्या लेते हैं आपका, नॉर्मल इंसिडेंस। अब ये बीम जब नॉर्मली इसमें इंसिडेंट होती हैं, उसके बाद ये आपका इस जो वेस्ट शेप फिल्म हमारी क्रिएट हो रही है यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, ठीक है। और ये रिफ्लेक्ट बैक जो बीम हुई हैं, ये आपका क्या बनाती है, एक इंटरफेरेंस पैटर्न, और इस इंटरफेरेंस पैटर्न को हम इस माइक्रोस्कोप की हेल्प से क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक हो गया बच्चों। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि 45 डिग्री पर हमने प्लेन ग्लास प्लेट को क्यों रखा हुआ है, तो हमें ये चीज़ बतानी है, ये इसलिए रखा गया है ताकि जो बीम है वो नॉर्मली आपका इंसिडेंट हो किस पे, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर यही चीज़ आपकी थ्योरी में समझाई हुई है, देखिए आगे क्या लिखा है, द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ग्लास प्लेट फॉल्स नॉर्मली ऑन द एयर फिल्म इनक्लोज्ड बिटवीन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एंड प्लेन ग्लास प्लेट, देन The light ray reflected upward from the air film superimposed with each other and the interference takes place. Due to the interference of these rays, alternate bright and dark concentric rings are seen with the help of microscope. ठीक हो गया बच्चों, और इस तरीके की concentric rings हमारे पास होती हैं। तो दोबारा से हम यहाँ देख रहे हैं कि as the rings are observed in reflected system, the effective path difference. देखो ये चीज़ मैंने अभी तुम्हें बताई थी इससे पहले भी, जो effective path difference कितना होता है, 2μt cos r + λ/2. फॉर नॉर्मल इंसिडेंस कॉस आर, आर कितना हो जाएगा, 0, तो कॉस आर कितना हो जाता है, 1, आर इक्वल टू 0 हो गया, तो यहाँ से कॉस आर कितना हो गया, ये हो गया 1, तो ये इक्वेशन क्या बनी, 2μt cos 2μt + λ/2, एंड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टी क्या हो जाएगा आपका, 0, हम पहले भी देख चुके हैं, इसलिए एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टी इक्वल टू 0, तो इफेक्टिव पावर डिफरेंस क्या आ गया हमारे पास, λ/2। तो यहाँ से क्या हमें पता लगा, जो सेंटर रिंग होती है, सेंटर रिंग इज डार्क, इन विच केस, इन रिफ्लेक्टेड सिस्टम,
ठीक है बच्चों, दो नंबर में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोबारा से हमारा रिवाइज हो गया कि जो सेंटर रिंग है वो क्या होती है, डार्क इन रिफ्लेक्टेड सिस्टम। क्लियर हो गया बच्चों। अब इसके बाद आती है कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और वी कैन से कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। बिल्कुल सेम है जैसी थिन फिल्म और किस्मत थी हमारी वेस्ट शेप फिल्म। ठीक है, अब देखो मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, एन लैम्डा, और पार्ट डिफरेंस है कितना, टू म्यू टी प्लस लैम्डा बाई टू इक्वल्स टू एन लैम्डा। तो टू म्यू टी इक्वल्स टू टू एन माइनस वन लैम्डा बाई टू, ये कंडीशन किसकी आ गई हमारी, ब्राइट की, जो एक्चुअल में हमें लग रहा है किसकी, डार्क की। बिल्कुल सेम है बच्चों जैसा हमने कहा करा था थिन फिल्म में। थिन फिल्म में यहाँ पर टू म्यू टी कॉस आर आता था, लेकिन अब कॉस आर कितना हो गया हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो ये कंडीशन है आपकी किसकी, कंडीशन फॉर मैक्सिमा। इसके बाद है हमारे पास कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बिल्कुल ये हमें पता है टू एन प्लस वन लैम्डा बाई टू होता है, लेकिन पार डिफरेंस कितना है, टू म्यू टी प्लस लैम्डा बाई टू। तो जो हमारे पास पार डिफरेंस जो आता है उसकी हेल्प से जो कंडीशन बनती है, टू म्यू टी प्लस एन इक्वल्स टू एन लैम्डा। एक्चुअल में ये हमें ऐसा लग रहा है जैसे ब्राइट की है, लेकिन ये किसकी है, डार्क की। तो बेसिक कंडीशन पता हो और पार डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, टू म्यू टी प्लस लैम्डा बाई टू, बिल्कुल सही करके आओगे। एग्जाम में क्या होता है, बच्चों से पूछा जाता है मिनिमा की कंडीशन, तो मिनिमा की कंडीशन में क्या लिख देता है, टू म्यू टी इक्व टू टू एन माइनस वन लैम्डा बाई टू, जो कि क्या हो जाता है, गड़बड़। ठीक है, समझ में आया आपको क्या लिखना है, मिनिमा की कंडीशन ये है, मैक्सिमा की कंडीशन है टू एन माइनस वन लैम्डा बाई टू, जो मिनिमा जैसी दिखाई दे रही, और मैक्सिमा की कंडीशन क्या है, मिनिमा की कंडीशन है टू म्यू टी एन लैम्डा। जो ये कंडीशंस बिल्कुल अपोजिट होंगी किसके लिए, ट्रांसमिटेड सिस्टम के लिए। हमने पढ़ा था कि जो ट्रांसमिटेड सिस्टम है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के, यानी जो डार्क रिंग है रिफ्लेक्टेड सिस्टम में ब्राइट होगी ट्रांसमिटेड में, और जो ब्राइट है रिफ्लेक्टेड में डार्क होगी आपका ट्रांसमिटेड में। ठीक हो गया बच्चों। अब इसके बाद के जो कुछ टॉपिक हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में उसे हम कवर अप करेंगे।